दलित गुट के विधायक हेमराम चौधरी के इस्तीफे के साथ ही राजस्थान में कई दिनों से सुलग रही सियासी चिंगारी भड़कने लगी है। पायलट गुट के तीन व गहलोत गुट के एक विधायक हेमराम के समर्थन में आ गए हैं। हालांकि हेमराम के इस्तीफे के 24 घंटे बाद ही सचिन पायलट की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं सोलंकी ने कहा, ज्यादातर विधायकों की हालत हेमराम जैसी है। उन्होंने कहा, मेरे कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होगी और काम नहीं होंगे तो मुझे भी इस्तीफा देना पड़ेगा। दिलचस्प ये है कि सोलंकी का मीडिया में ये बयान आने के महज 2 घंटे बाद ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने सोलंकी को फोन किया। बोले, माकन साहब ने कहा है कि विधायकों से बात करके उनकी समस्या पूछो, आपका कोई काम हो तो बताओ। जवाब में सोलंकी ने कहा है कि पहले माकन साहब की चिट्ठी का जवाब तो सरकार से दिलवा दो। सोलंकी SC ST के व्याख्याता पदों में कटौती के मुद्दे को लेकर 24 मार्च को AICC में माकन से मिले थे। माकन ने इस मुलाकात का हवाला देते हुए 24 मार्च को ही CM गहलोत को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने बताया है कि वेद प्रकाश सोलंकी एक प्रतिनिधि मंडल के साथ उनसे मिले और कॉलेज व्याख्याता के पदों में आरक्षित श्रेणी के 153 पदों की कटौती करने के RPSC से निर्णय को वापस लेने की मांग की है। माकन ने इस पत्र में संलग्न कर CA के से नियमानुसार कार्रवाई का अनुरोध किया है। सोलंकी ने इस पत्र का हवाला देते हुए डोटासरा से कहा है कि पहले प्रदेश प्रभारी के पत्र पर ही काम हो जाए, बाकी काम तो बाद में भी होता रहेगा। आपको बता दें, सचिन पायलट गुट के होने की वजह से हेमराम चौधरी की अनदेखी होने के सवाल पर वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा, गुट और गुटबाजी तो अलग मामला है, यहाँ तो जो सरकार के नजदीक है वो विधायक भी परेशान है, उनकी भी सुनवाई कहाँ हो रही है। वरिष्ठ विधायक की अफसर शाही नहीं सुन रही, अधिकारी विधायकों की नहीं सुनते, सरकार पावर डिसेंट्रलाइज करे, सुनवाई नहीं हो रही है, बहुत विभाग बिना मंत्रियों के चल रहे हैं, ऐसे में वहां अधिकारी हावी हो रहे हैं, राजनीतिक नियुक्तियां भी विभागों में अभी जरूरी है। वहीं सोलंकी पहले भी मुखर रहे हैं, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोलंकी ने रमेश मीणा के साथ SC ST और अल्पसंख्यक विधायकों की आवाज दबाने का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर सवाल उठाए थे। बता दें कि एक दिन पहले ही हेमराम ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि 2.5 साल से दम घुटा रहा हूं, जहर के घूंट पीकर नहीं जी सकता हूं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।